हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द रेस्ट पार्ट ऑफ क्लोथेस एंड फाइबर्स. जस्ट सी हियर, एज सून एज विंटर एंड्स, जैसे ही विंटर खत्म होता है, सना फाइंड्स हर मदर पैकिंग वुलन क्लोथेस. सना क्या देखती है? अपने माँ को पैकिंग करते हुए वुलन क्लोथेस, ऊनी कपड़े. हर मदर एक्सप्लेन्स दैट दीज आर वुलन क्लोथेस एंड आर वर्न इन विंटर्स ओनली. सना की माँ से पूछती है तो उसकी माँ उसको समझाती है, एक्सप्लेन करती है, क्या ये जितने भी ऊनी कपड़े हैं वो सिर्फ हम विंटर में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं. वुलन क्लोथेस डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू स्केप एंड कीप अवर बॉडी वार्म. और वुलन कपड़े पहनने के बाद जो गर्मी हमारे बॉडी में पैदा होती, हीट बनता है, उसको हटने नहीं देता है वुलन कपड़ा. एंड कीप अवर बॉडी वार्म, और इस तरह हमारी बॉडी गर्म रखता है ऊनी कपड़े. पीपल हु लिव एट प्लेसेस, पीपल जो ऐसे जगह में रहते हैं, दे आर वेरी कोल्ड ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्नोफॉल, बहुत ज्यादा बर्फबारी जहाँ होती है. वियर फर क्लोथेस, वहाँ क्या पहनते हैं? फर क्लोथेस. फर क्लोथेस ऊनी कपड़ों जैसे ही होते, वो फेदर के बने होते हैं, तो ऊनी कपड़ों से ज्यादा गर्म होते हैं. फर क्लोथेस कीप देम वार्म, और ये क्लोथेस क्या होते हैं? उनको गर्म रखते हैं. When it is hot, जब गर्मी आती है, we wear light colored lining or cotton clothes. हम क्या पहनते हैं? लाइनिंग और कॉटन के कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि ये पतला होता है, हल्का होता है, तो गर्मी में हमें आराम मिलता है इन कपड़ों में. They allow body heat to escape and keep our body cool. और ये क्या, पतले कपड़े की वजह से हमारे बॉडी में जो गर्मी होती है वो दूर हो जाती है और हमारे बॉडी को ठंडा लगता है, आराम लगता है. When it rains, जब बारिश होती है, we use rain coats, umbrellas and gumboots. These are made of material that doesn't allow water to pass through it. अम्ब्रेला हम किसमें यूज करते हैं? और रेन कोट, जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में हम कहीं बाहर जाते हैं तो भींग जाते हैं, इसलिए अम्ब्रेला, रेन कोट, ये सब ऐसे मटेरियल, ऐसे कपड़ों के बने होते हैं कि बारिश से हम भींगते नहीं, हमारे कपड़े बिल्कुल भींगते नहीं हैं. दिस इज कॉल्ड वाटर प्रूफ मटेरियल. इसको हम क्या कहते हैं? वाटर प्रूफ मटेरियल, क्योंकि बारिश तो हम पे होती है लेकिन वो पानी निकल जाता है और हमारे कपड़े नहीं भींगते और हम अपना काम भी आसानी से कर लेते हैं. दिस मटेरियल कीप्स अस ड्राई एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन. ये मटेरियल हमको एकदम ड्राई रखते हैं, रेनकोट या अम्ब्रेला जो भी रहता है, और प्रोटेक्ट करते हैं हमें बारिश से. एक्टिविटी, कलेक्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स. पेस्ट स्मॉल पीसेस ऑफ दिस फैब्रिक इन योर स्क्रैप बुक, ऑल्सो राइट दियर नेम. ये कह रहा है कि 5 तरह के आप फैब्रिक जो है कलेक्ट करिए और उनको गम से पेस्ट करिए स्क्रैप बुक पे और उनके नाम लिखिए. कीवर्ड्स, नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल. ऐसा फाइबर जो कि प्लांट में रहता है या फिर एनिमल से मिलता है, उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर, फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर. पॉइंट टू रिमेम्बर, अब याद रखने योग्य बातें. वी नीड अ हाउस टू लिव इन एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एट्स. हमें एक घर की जरूरत होती जिसमें हम रहे और हीट से, कोल्ड से, रेन से, बारिश से, जानवरों से, गर्मी सबसे सुरक्षा मिल सके. कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो एंड इज नॉट वेरी स्ट्रांग. कच्चा हाउस किससे बनता है? कीचड़ से बनता है, स्ट्रो से, जो पुआल होते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता. पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट एंड इज वेरी स्ट्रांग. पक्का हाउस कैसा होता है? जो आयरन से, लोहे से, सीमेंट से, ईंटा से बनता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. इग्लूज, कार्वन्स एंड स्टिल्ट हाउस आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस. इसमें जो इग्लूज है, कार्वन्स है, स्टिल्ट है, वो क्या है? स्पेशल टाइप के हाउस होते हैं.
अ गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन वायर नेटेड डोर्स एंड विंडोज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मेनी प्लांट्स अराउंड इट एंड ओपन स्पेस लाइक वरंडा एंड बालकनीज। ये क्या करा, एक गुड हाउस, अच्छे हाउस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो पूरा हवादार होना चाहिए, आगे वरंडा हो, बालकनी हो, कटयार्ड हो और वायर नेटेड हो ताकि मक्खी मच्छर से उससे छुटकारा पा सके, वो रिमूव कर सके, खिड़कियां हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है जो पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी हो, इस तरह एक गुड हाउस की क्वालिटी होती है। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। वी वियर वुलन क्लोथेस इन विंटर एंड कॉटन एंड लाइनिंग क्लोथेस इन समर। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में कॉटन के और लाइनिंग के पतले कपड़े पहनते हैं।